आयुष्मान कार्ड योजना में अस्पतालों में किया जा रहे भ्रष्टाचार और गड़बड़ी की शिकायत पर भोपाल की टीम जबलपुर पहुंची। आदित्य अस्पताल, बॉम्बे मनुलाल और लाइफ मेडिसिटी अस्पताल उस वक्त हड़कंप मच गया जब चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग भोपाल के विनु चक्रवर्ती डॉक्टर प्रंजल चतुर्वेदी ने छापेमारी करते हुए अस्पताल प्रबंधनों से आयुष्मान योजना को लेकर सवाल जवाब किए। अस्पतालों में छापामारी कार्यवाही करने पहुंची टीम ने इस बात की जानकारी किसी को नहीं लगने दी कि अस्पतालों में आयुष्मान योजना की जांच की जाएगी। आयुष्मान कार्ड था फिर भी लाइफ मेडिसिटी अस्पताल में 25,000 लिए गए। शिकायतकर्ता मोहम्मद रिजवान ने बताया कि उसकी मां का ऑपरेशन जनवरी माह में लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल में हुआ था, जिसका भुगतान आयुष्मान कार्ड के माध्यम से किया गया था। उसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन द्वारा अलग से 25,000 की राशि उससे ली गई थी। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है, मैं मोतिया नयापुर गोहलपुर में रहता हूँ। पता क्या हुआ था इस अस्पताल में आपके साथ? मैं यहाँ अपने मम्मी का ऑपरेशन कराने आया था, बच्चेदानी का। तो आयुष्मान कार्ड उसमें लगा था। आयुष्मान के ऊपर लोगों ने हमसे 25,000 रुपये कैश और चटपट में हमारे 5,000 रुपये दवाई और जांच में खर्चा हुए थे। वो पैसा हमें अगर यहाँ से वापस मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। टीम आई है, एक न्यूज़ लगी थी छापा मारने टीम आई है। जी नहीं पता था, अभी कुछ लोग आए हैं, बाकी हमारे सामने कुछ लोग गए हैं सर से मिलने, और उसके आगे अभी मुझे कुछ नहीं पता। कौन सा हॉस्पिटल है ये? लाइफ मेडिसिटी हॉस्पिटल आगा चौक है। आपने कब एडमिट कराया था, कौन सी तारीख? ये 10 जनवरी के 2022 को। आपने फिर प्रयास नहीं किया इनसे पैसे लेने की, मांगा नहीं किया? नहीं, आयुष्मान कार्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा फ्री इलाज होता है। लोगों ने कुछ ऐसा हमसे बताया ही नहीं, बोले कैश लगता ही है आयुष्मान के बाद भी, लोगों ने ऐसा बोला हमसे। और आयुष्मान कार्ड से कोई भुगतान नहीं किया? आयुष्मान कार्ड से ये जो भी भुगतान किए हों उसकी कोई रसीद नहीं है हमारे पास, कोई जानकारी नहीं है उसकी। और जो आपसे पैसे लिए थे उसकी रसीद है आपके पास? उसके हमारे पास कुछ बिल हैं, जो हमने 5,000 की दवाइयाँ लिए हैं उसके बिल हैं, जो 25,000 कैश दिए थे उसका बिल नहीं है। किसको दिए थे, कहाँ जमा किए? अंदर मैडम। पेशेंट आपके अभी कहाँ हैं? पेशेंट हमारे घर पर हैं, ठीक हैं, अभी ऑपरेशन हो चुका है। जबलपुर से आशीष वाथरे की रिपोर्ट।